तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 20। और जैसा कि मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, रियल एनालिसिस, जो ये हम लोग का सेशन चल रहा है ये रियल एनालिसिस का चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीटेक और बीई वालों के लिए पैरेलली ये चीज़ चल रहा है। तो आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं रियल एनालिसिस, जो कि बुक का नाम है, और रियल नंबर जो कि चैप्टर का नाम है। यह हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 20 होगा। और ये जो सेशन चल रहा है ये सेमेस्टर 2 वालों के लिए चल रहा है, सेमेस्टर 2। ओके, तो देखिए बच्चों, हम लोग आज इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या खास है, देखिए इंटरवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप कहिएगा अभी तक तो हमने लेक्चर 19 तक बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स या बीटेक या फिर बीई के विषय में बहुत सारे टर्म्स को पढ़ चुके हैं, बहुत सारे थ्योरम्स को पढ़ चुके हैं। तो फिर आज ये फिर से आप क्लास 11th का चीज़ उठा करके फिर से आप ये चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर मैं ये बेसिक्स आपको नहीं दूं, ये बेसिक्स नॉलेज नहीं दूं, हो सकता बहुत बच्चों को ये चीज़ आता है ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, लेकिन तो भी मेरा फ़र्ज बनता है, मैं टीचर हूँ तो मैं आपको हर एक चीज़ को जो है कि कंप्लीट करके दूँ, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप नहीं जानोगे, ये चीज़ सपोज डैट अगर आपको ये चीज़ आप भूल गए हैं ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, तो फिर आगे के आने वाले लेक्चर्स में आपको कुछ समझ में अच्छा खासा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है कि आज का जो मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो ओपन इंटरवल, इसको मैं समझा रहा हूं, पहले आप इसको समझ लीजिए तो फिर आपको मजा आएगा आगे के लेक्चर्स को अटेंड करने में। तो बच्चों देखिए, ओपन इंटरवल, सबसे पहले तो इंटरवल्स आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, और फिर एक और आता है, वो आता है सेमी ओपन इंटरवल और दूसरा सेमी क्लोज इंटरवल। तो वो सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे के लेक्चर्स में। तो चलिए इस लेक्चर्स में हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, इफ ए एंड बी, मान लेते हैं ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ए और बी जो है कि कोई भी दो रियल नंबर्स है, ए और बी क्या है कि आपका कोई भी दो रियल नंबर्स है, सच डैट इस प्रकार से कि आपका ए इज लेस देन बी, यानी कि बी से ए जो है वो लेस देन होगा, यानी कि ए जो होगा वो लेस देन बी होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए और बी आपका क्या है, दो रियल नंबर्स है, दो रियल नंबर, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ए और बी के जगह पे 1/2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, बी के जगह पर 4/3 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, 2.5555 कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2 iota नहीं हो सकता, 3 iota नहीं हो सकता, ये सब कुछ, ठीक है। आपका 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, 2/7 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, जहां पर आपका यदि आपका ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, सच डेट इस प्रकार से कि आपका जो दूसरा वाला रियल नंबर है बी, वो ए से बड़ा है, अगर दूसरा वाला रियल नंबर बी वो क्या है, वो ए से बड़ा है, देन तब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इससे ये दो रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स बनेगा, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है तो मैं बता रहा हूं, तो उसमें मतलब कि सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे ए और बी के बीच में, सारे तो नहीं, जितने हो सके, जैसे कि वो डिपेंड करता है ए और बी के बीच, ए और बी का वैल्यू का जो मतलब ए और बी का वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि उसके बीच में क्या रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ए कॉमा ए लेस देन बी देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ए और बी के बीच में जो सेट बनेगा है ना रियल नंबर्स का, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, तो याद रखिएगा ए आपका रियल नंबर है, बी आपका रियल नंबर है, लेकिन एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, लेकिन हम लोग ए और बी को लेंगे नहीं, उसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स को ले लेंगे, बट ए और बी को एक्सक्लूड करके, ए और बी को हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, इज कॉल्ड, इसी को एन ओपन इंटरवल, इसी को हम लोग एक ओपन इंटरवल कहते हैं, एंड इट इज एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको हम लोग दिखाते हैं ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं ऐसा,
देखिए इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये भी एक ओपन ब्रैकेट का ही साइन होता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हम लोग उलट दे तो दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओके, ओपन या ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर ये मैं उलट दूं, ऐसा कर दूं, तो दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट हो गया ए टू बी। तो एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, 2 और 5 दो रियल नंबर हैं, इसके बीच में बहुत सारे इन्फिनिटी ऑफ रियल नंबर्स होंगे, तो 2 और 5 को नहीं लेना है। इसके बीच में जो आपका ये घेरा दिखाया हुआ है, ये लाइन दिखाया हुआ है, ये लाइन में जितने भी रियल नंबर से ये सारा का सारा आपको सिलेक्ट कर लेना है, याद रखिए। तो देखिए बच्चों कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे, 2 और 5 के बीच में, देखिए मैं यहाँ पर नीचे में कर दिया हूँ। देखिए 5 क्या है, 2 से बड़ा है, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन 5। 2 क्या है, 5 से छोटा है, 2 क्या है मेरा 5 से छोटा है, एंड 5 क्या है मेरा 2 से बड़ा है। 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन 5। तो 2 और 5 को तो लेना नहीं है, तो लेना नहीं है तो इसको ग्राफिकली है ना नंबर लाइन पर ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। याद रखिएगा, जब 2 और 5 को नहीं लेना होता है तो नंबर लाइन पर एक होल बना देते हैं 2 पर और एक होल बना देते हैं 5 पर। और अगर मान लेते हैं कि लेना होता तो फिर इसको रंग कर देते, इसको पूरा कलर कर देते, ठीक है, इसको पूरा कलर कर देते। तो खैर अभी लेना तो नहीं है, 2 और 5 दोनों को नहीं लेना है, ठीक है, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे को ले लेना है। तो 2 और 5 को एक्सक्लूड कर दीजिए, यहाँ पर होल कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 2 और 5 को छोड़ करके इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वे सारे नंबर्स को हम लोग को ले लेना है, हम लोगों को ले लेना है। तो देखिए 2 इज लेस देन 5, यानी 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारा ले लीजिए, बशर्ते 2 और 5 को आपको नहीं लेना होगा। यानी कि 2 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, 2.00001 जस्ट बड़ा है, 2 से जस्ट बड़ा भी आप ले सकते हैं, 2.00000001 2.00001 2.00001 ऐसा कुछ, या फिर 2.2 2.3 .. और एक बात याद रखिएगा, 5 से जस्ट छोटा, 5 से क्या होना चाहिए, जस्ट छोटा। तो 5 से जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, 4.9999 जितना खुशी आप बोल दीजिए, 4.9999999999999 जितना आपका मर्जी है बोल सकते हैं, और उससे क्या होगा, 5 से वो जो कि है छोटा ही होगा। आप देख सकते हैं 4.9999 ये चलते चल रहा है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 9 है, तो ये 9 9 9 ही चल रहा है, मतलब 0.999 ही चल रहा है, 999 ही चल रहा है, मतलब 4.999, समझ रहे ना। तो ये 5 से छोटा ही है, ठीक है। और इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा, यानी कि 2 और 5 के बीच में जितना भी नंबर आएगा वो इस ओपन इंटरवल 2 और 5 के बीच का नंबर होगा। यानी कि ये देखिए हमने नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 2.5, और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 2.5, ठीक है। अब ज़रा देखिए, तो 2 और 5 के बीच में बहुत सारा नंबर आ गया, इनफाइनाइट नंबर आ सकता है, 3 पॉइंट आ सकता है, 3.1 3.0001 3.2 3.3 3.4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, इसी को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं 2 से 5। और इसको हम लोग ऐसा नंबर लाइन पर दिखाते हैं, जैसे कि ऊपर में भी दिखा दिए, देखिए 2 यहां और ये 5 यहां पर, ये ओपन इंटरवल और ये भी ओपन इंटरवल। इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा, इसको हम लोग लकीर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा वो सारा का सारा जो है कि रियल नंबर्स होगा, और इसी के इसी ओपन इंटरवल का मेंबर होगा, यानी 2 और 5 के बीच में। चाहे आप 2.2 ले लीजिए, 2.3 ले लीजिए, या फिर 2.002 ले लीजिए, या फिर 2.0021 ले लीजिए, या फिर आप 3.001 ले लीजिए, या फिर 3.2 ले लीजिए, या फिर 4.1 ले लीजिए, या फिर 4.2 ले सकते हैं, या फिर 4.999 ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए 5 नहीं ले सकते, या फिर 5 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, 5 से छोटा लेंगे और 2 से बड़ा लेंगे। तो इसमें जितना भी नंबर्स आएंगे इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में, वो सारा का सारा रियल नंबर होगा और वो एक प्रकार का रियल नंबर का सेट बनाएगा, ठीक है। अब चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया, ये जरा मैं समझा देता हूं, ये वाला लाइन देखिए, ओपन इंटरवल ए और बी ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, और इसी चीज को हम लोग कैसा दिखाते हैं, ऐसा भी दिखाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म में दिखाना चाहें, प्रॉपर्टी फॉर्म आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में अगर हम दिखाना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या करते हैं, उसको हम लोग कोडिंग करके डालते हैं, यानी कि उसको देखने वाला देख करके बोलेगा हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब देखिए जरा, x अगर रियल नंबर हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर है तो सच डेट इस प्रकार से होगा, x अगर रियल नंबर है तो x कैसा होगा, x सच डेट, इसको पढ़ते सच डेट,
इसको पढ़ते सच डेट एक्स, अगर रियल नंबर का मेंबर है तो एक्स कैसा होगा, सच डेट एक्स जो होगा वो मेरा लेस देन बी होगा, वो मेरा क्या होगा, लेस देन बी होगा और ग्रेटर देन बी होगा, यानी कि एक्स जो है कि रियल नंबर तो होगा ही होगा लेकिन वो बी रियल नंबर से छोटा होगा और ए रियल नंबर से बड़ा होगा। और याद रखिए ए रियल नंबर के इक्वल नहीं होगा और ना ही बी रियल नंबर के इक्वल होगा मेरा एक्स, याद रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए और बी अगर कोई, ये देखिए ये आपका क्या दिखाया हुआ है, ये ए और बी में दिखाया गया है कि ए और बी दो रियल नंबर है, ये ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में जितना भी रियल नंबर्स आएगा वो सारा का सारा जो है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, मतलब ए टू बी में, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है तो कहा जा रहा है एक्स अगर रियल, इसी चीज़ को हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख रहे हैं यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स अगर कोई रियल नंबर है, एक्स अगर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स जो भी होगा वो सारा का सारा रियल नंबर को इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और सच डैट इस प्रकार से एक्स होगा कि मेरा एक्स जो होगा वो बी रियल नंबर से छोटा होगा और ए रियल नंबर से बड़ा होगा, याद रखिएगा। इसी ए और बी के बीच में एक्स जो है कि रियल नंबर होगा और सारा का सारा जितना भी टर्म्स आएंगे, जितना भी रियल नंबर्स आएंगे ए और बी के बीच में वो एक सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाएंगे ए टू बी। तो देखिए यही सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है ए टू बी, है ना, इसके बीच में जितना भी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है तो इसके बीच में जितना भी रियल नंबर होगा वो सारा का सारा सेट ऑफ रियल नंबर होगा इसके लिए, है ना, ओपन इंटरवल ए टू बी। इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल ए टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं ओपन इंटरवल ए टू बी, इसको भी क्या पढ़ते हैं रीड एज, मैं लिख देता हूं रीड एज ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो रीड एज इसको कैसे पढ़ा जाता है, ओपन इंटरवल ए टू बी। तो बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 20 को इतने देर तक देखा, ठीक है, आपने देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोज इंटरवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, अब छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे। हाँ भले लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आपको मज़ा आएगा, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा छोटा छोटा जब लेक्चर आप देखोगे तो 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट 12 मिनट तो आपको मज़ा भी आएगा। एक माइंड को होता है ना, हम लोग को बूस्ट होता है माइंड में, हम लोग ये सोचते ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर 5-5 मिनट का, अगर 6-6 मिनट का, अगर 12-12 मिनट का अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप ट्रेन में भी बैठ करके मेरा वीडियो को देख सकते हैं, आप बस में भी बैठ करके, उतना भीड़ भड़क्का में भी बैठ करके आप मेरे वीडियो को अटेंड कर सकते हैं, आप कहीं भी जो है कि वीडियो को आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी कॉपी पेन पेंसिल, ठीक है। तो यही मोटो के मकसद से मैं जो है कि वीडियो को अब थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा, और हो सके जहां पर लगे कि मुझे कि बड़ा बनाना चाहिए तो वहां पर मैं बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं, मैं मजबूर हो जाऊंगा तो फिर कैसे, मतलब मजबूर हूं क्योंकि अगर जितना मान लीजिए 30 मिनट का है तो उसको तो 30 मिनट हमको बनाना ही पड़ेगा, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसको कैसे काट दूंगा बीच से, फिर आपको दोबारा दूसरा लेक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना देर तक हमारे वीडियो लेक्चर्स को अटेंड किए। तो चलिए बच्चों फिर से आप सभी को जोहार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 21, ठीक है। चलिए खुश रहिए।